I don't think we could have done anything else. We wanted to give the maximum time to those inside. She had asked for assurance. The holy shrine will not be touched. Not a brick will be destroyed. He behaves in a very domineering manner. Everyone around him was very frightened of him. मैं सिख हूँ ज़रूर हूँ, लेकिन जब हम लोग फ़ौज में भर्ती होते हैं तो हम कसम खाते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे। हम रिलीजन, कास्ट, क्रीड किसी चीज़ को परवाह नहीं करते। किसी के लिए आतंकवादी, किसी का संत, किसी के लिए खौफ का खात्मा, किसी के लिए दमन। एक उलझी हुई तारीख जिसे सुलझाने की हर कोशिश एक नया गांठ दे जाती है। क्या इतिहास की इस काली तारीख में सात समंदर पार के भी किरदार थे? क्या कूटनीति और व्यवसायिक फायदे की कसौटी पर मिटे मासूम? क्या भारतीय सेना महज प्यादा थी? क्या इंदिरा को भारतीय फौज पर विश्वास नहीं था? क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार बस विध्वंस की साजिश था? I don't think we could have done anything else. We wanted to give the maximum time to those inside, to whom we were pointing out that there was that we had clear information about the accumulation of arms, about giving shelter to criminals and murderers and so on. And we were hoping to that they themselves would act and not allow these people to use such a sacred and holy place as a shelter. भारत के देश के साथ लड़ाई हो तो ठीक है, लेकिन अपने लोगों को मारना हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें अगर उन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया। जब टैंकों ने श्री हरमंदिर साहिब का सीना चीरा था, जब बारूद ने अकाल तख्त को छलनी किया था, उस रोज आतंक कदम जरूर बढ़े थे, लेकिन कुछ रिश्ते भी तार तार हुए थे। रिश्ता आवाम और हुक्मरान का, रिश्ता भाई भाई का। ऐसे लाशें पड़ी थी जैसे कोई पिक्चर में तो देखा होगा, जंग के मैदान में तो देखा जा सकता है, लेकिन वैसे अपनी आंखों में मैंने पहली बार देखा। आक्रोश की उस उबलती शाम में बगावत से लड़ने का गर्मजोश निश्चय जरूर था, लेकिन स्वर्ण मंदिर को भेदती लोहे की गोलियों के बीच सिखों के इतिहास की सबसे काली तारीख लिखी जा रही थी। बंदूकों को थामे हाथ तो फौजियों के थे, लेकिन कंधा सियासत का था। पंजाब बंटवारे के भावनात्मक और आर्थिक चोट के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। उनकी मेहनत की उपज पूरे देश का पेट पाल रही थी, लेकिन यहाँ सिखों के दिलों में अजीब सा संदेह पल रहा था। शायद ये सरहद पार की साजिश थी कि एक बेबाक कौम इस कुंठा से बोझिल थी कि हिंदुओं को मिला हिंदुस्तान, मुसलमानों को मिला पाकिस्तान, और बीच में 2% सिख आबादी जिनकी किस्मत में सिर्फ अनदेखी। उधर देश वंशवाद की राजनीति की पहली कड़ी का साक्षी बन रहा था। इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी।
इंदिरा की चुनौतियों में देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा शामिल थे तो राजनीतिक कांटे भी कम नहीं थे। 1970 के मध्य की बात है जब अकाली दल ने सिखों के अधिकारों का झंडा बुलंद करना शुरू किया। केंद्र से मांग की कि पंजाब को अधिक स्वायत्तता दी जाए, लेकिन इंदिरा कई मोर्चों पर उलझी थी। न तो वो इस मांग को मानना चाहती थी, न ही इस पर ध्यान देने का उनके पास वक्त था। खैर, बढ़ती ताकत ने उन्हें अचानक ऐसी पटखनी दी कि वो सत्ता से ही बेदखल हो गई। 1977 में एक ओर इंदिरा सत्ता से बेदखल हुई, दूसरी ओर पंजाब में एक नया नाम उभर रहा था। इसी साल राज्य के सबसे प्रभावशाली दमदमी टकसाल ने अपना नया जत्थेदार चुना, जर्नैल सिंह भिंडरावाले। So there was a great deal of cruelty about him. He had a very hard, cruel face, and he behaved in a very domineering manner. Everyone around him was very frightened of him. भिंडरावाले के जिंदा शब्दों में अजीब सा जादू था, जोशीले भाषण में गजब का खिंचाव था, लेकिन उनकी सोच बेहद कट्टर थी। सिख संस्कारों के प्रसार और अनुकरण तक तो ठीक था, भिंडरावाले गैर सिख के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे। निरंकारियों से उनकी कुछ ऐसी ही रंजिश थी। पंजाब की सड़कें आए दिन अब गुटों की हिंसा का गवाह बनने लगी। अप्रैल 1978 में ऐसी ही एक भिड़ंत में निरंकारियों के हाथों भिंडरावाले के 13 समर्थक मारे गए। उन्होंने अपने समर्थकों से कह दिया कि जो भी निरंकारी को मौत के घाट उतारेगा उसे वो सोने में तौल देंगे। He wasn't just somebody who said, "Do this or I'll shoot you." He would always say this in a clever manner. भिंडरावाले से मुग्ध भीड़ अब मानो उनकी फौज में तब्दील हो गई थी, जो उनके एक इशारे पर जान भी देने को तैयार थी। उसके समर्थक अब खुलेआम मारकाट मचाते थे। 24 अप्रैल 1980 को निरंकारी के तीसरे गुरु बाबा गुरुबचन सिंह की हत्या कर दी गई। कुछ ही दिनों बाद भिंडरावाले के खिलाफ लिखने वाले एक न्यूज़पेपर मालिक की भी हत्या हो गई। इस मामले में भिंडरावाले को गिरफ्तार किया गया। आतंकवाद की घटना उनताला जी को हत्या करके ही शुरू हुई। उन्होंने 2-3 साल पहले ही इस बात की चर्चा शुरू कर दी थी कि पंजाब में आतंकवाद का दौर आने वाला है। जेल के बाहर उसके समर्थक और पुलिस के बीच खूनी भिड़ंत हुई, जिसमें 18 समर्थक मारे गए। लेकिन अब भिंडरावाले का समर्थन कट्टर होता जा रहा था। एक महीने के बाद सबूतों के अभाव में जब भिंडरावाले को जेल से आजाद किया गया, तब उसे आभास हुआ कि लोग उसे अपने नायक के तौर पर देखने लगे हैं। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में भिंडरावाले का समर्थन तेजी से बढ़ रहा था। उधर 1980 में केंद्र में इंदिरा सत्ता में लौट चुकी थी और पंजाब में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। भिंडरावाले से उनका टकराव नहीं था, उनकी समस्या सियासी थी। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में पैठ तो काफी पहले से बना चुका था, लेकिन अब कांग्रेस के मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रहा था। कुछ दबी आवाजें ऐसे में भिंडरावाले को कांग्रेस के छिपे समर्थन की भी बात कहती थी, हालांकि ऐसी बातें राजनीतिक कयासों में ही उलझी रही। बहरहाल, भिंडरावाले के डमडमी टकसाल पर अब राज्य में हिंसा फैलाने के कई आरोप लगने लगे थे। देश का सबसे समृद्ध राज्य सांप्रदायिक हिंसा की आग में दहक रहा था। 1983 की शुरुआत में कई हत्याएं, मारकाट, लूटपाट की घटनाएं सामने आने लगी। उंगलियां सीधे भिंडरावाले की ओर उठने लगी, लेकिन शुरुआत में सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 अक्टूबर को पंजाब में हथियारबंद लोगों ने एक बस को अगवा कर लिया। उसमें सवार हिंदुओं को बर्बर मौत दी गई। इंदिरा आग बबूला हो उठी। पंजाब में इमरजेंसी लगा दी गई। पुलिस को आदेश दिया गया कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दी जाए। भिंडरावाले ने आधिकारिक तौर पर हर मामले से इनकार कर दिया, लेकिन भिंडरावाले के टेप रिकॉर्डेड भाषण अब गांव-गांव में बांटे जाने लगे। अलगाव को भड़काते ये भाषण एक ओर थे, दूसरी ओर थी एक पड़ोसी देश की छटपटाहट।
जो अब खालिस्तान की आवाज बुलंद करते आतंकियों को मदद की शक्ल में नजर आने लगी, जहर फैलाने के लिए भी और असलहा पहुंचाने के लिए भी। अब तक भिंडरावाले के साथ बड़ी तादाद में लोग जुड़ चुके थे। भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल शाहबेग सिंह 1971 युद्ध के नायक थे। उस युद्ध में उन्होंने मुक्ति वाहिनी के दस्तों को युद्ध कला में प्रशिक्षित किया था। 1976 में रिटायरमेंट से चंद महीनों पहले करप्शन के कुछ मामूली आरोपों पर उन्हें कोर्ट मार्शल कर दिया गया। खुद के साथ हुई कार्रवाई को वो नाइंसाफी मानते थे। सरकारी तानाशाही से आहत शाहबेग सिंह ने भिंडरावाले का हाथ थाम लिया और अपनी युद्ध कला का हर दांव उनकी छोटी सी फौज को सिखाने लगे। इस बीच अफवाहें आम थी कि सरकार भिंडरावाले को गिरफ्तार कर सकती है। भिंडरावाले अपने समर्थकों समेत अब गुरुद्वारे के सबसे पवित्र हिस्से में रहने लगा। अकाल तख्त। अगले कुछ महीनों में मंदिर परिसर की ऐसी किलेबंदी शुरू हो गई मानो युद्ध की तैयारी चल रही हो। इस बीच दिल्ली में खलबली मची हुई थी। 2 साल से पंजाब के आतंक को काबू में करने का कोई रास्ता काम नहीं कर रहा था। सरकार ने स्वर्ण मंदिर के घेरेबंदी की योजना बनाई, लेकिन सेना का मानना था कि अगर सीधा टकराव हुआ तो भिंडरावाले के हजारों हथियारबंद समर्थक अमृतसर की सड़कों पर कोहराम मचा सकते हैं। इस बीच आतंक पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार की सलाह पर ऑपरेशन सनडाउन पर भी चर्चा हुई, लेकिन चूंकि आम लोगों के भी हताहत होने की आशंका थी, इंदिरा ने इनकार कर दिया था। मई 1984 में इंदिरा को यकीन होने लगा था कि आतंक को खत्म करने के लिए अब सीधा टकराव ही रास्ता है। बातचीत की कोशिशों के साथ साथ जून के महीने से अमृतसर में भारतीय सेना जुटनी शुरू हो गई। मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को इस ऑपरेशन के लिए कमांडर नियुक्त किया गया। पहली तारीख सुबह को मेरठ से चंडीगढ़ पहुंचा और मेरे को कहा गया कि ये ऑपरेशन जल्दी से जल्दी होनी है, आपको अमृतसर जाना है। एक तरफ देश भर से सेना शहर में इकट्ठा हो रही है, दूसरी तरफ हजारों की तादाद में श्रद्धालु सिखों के पहले शहीद गुरु अर्जन देव के स्मरण में मनाए जाने वाले त्योहार के लिए स्वर्ण मंदिर में इकट्ठा हो रहे थे। 2 जून तक यहां 1000 से भी ज्यादा सैनिक एकत्रित हो चुके थे। स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी पुख्ता कर दी गई थी, किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। श्रद्धा की खुशबू में बारूद की गंध घुलने लगी थी। गुरबानी की मधुर आवाज को एक आतंकी सन्नाटा खामोश करने लगा था। आस्था की जगह अविश्वास था। मंदिर रणभूमि में परिवर्तित हो रहा था। बहुत सख्त, बहुत मुश्किल डिसीजन था ये। हम नहीं इस्तेमाल करना चाहते थे। जब अकाल तख्त में बहुत प्रॉब्लम्स हुए तो फिर एक टैंक हम अंदर ले गए। उस रोज पंजाब को बाकी देश से काटने की शुरुआत हो गई। ट्रेनें बंद कर दी गई, शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और आधी रात को मंदिर के भीतर और बाहर से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। 5 जून को पुलिस की गाड़ियों में भरकर पत्रकारों को भी अमृतसर से बाहर कर दिया गया।
सरकार को मालूम था कि जो कदम वो उठाने जा रहे हैं उसमें आम राय बन पाना नामुमकिन होगा। ये सोच प्रबल थी कि किसी भी कीमत पर आतंक का सफाया करना है। This was a very unusual thing for India that the army had sealed off an entire state and the press had been expelled from there. स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकी भरपूर मुकाबला कर रहे थे। उनके पास एक से एक अत्याधुनिक हथियार थे। सेना को निर्देश थे कि स्वर्ण मंदिर में दाखिल नहीं होना है और किसी भी कीमत पर मंदिर परिसर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मेरे ऑर्डर थे उनको कि आप हरमिंदर साहब की तरफ फायर नहीं करोगे, तो हरमिंदर साहब को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दी कईयों ने, लेकिन हरमिंदर साहब की तरफ फायर नहीं किया उन्होंने। और अगर कुछ गोलियां लगी हैं हरमिंदर साहब से, दोनों तरफ से जो आतंकवाद फायर कर रहे थे उनकी गोलियां लगी, हमारी नहीं लगी उसमें। जनरल ब्रार खुद सिख थे, उन्हें स्थिति की संवेदनशीलता का एहसास था। इस पूरे ऑपरेशन में कई सिख सैनिक शामिल थे, लेकिन सेना के संस्कारों में धर्म नहीं राष्ट्र धर्म अहम है। इतना साफ हो चुका था कि ऑपरेशन की कामयाबी के लिए परिसर में दाखिल होना ही होगा। 5 जून की रात 10:30 बजे, तय वक्त से आधे घंटे देर, जवान स्वर्ण मंदिर के मेन गेट से भीतर पहुंचे। लेकिन आतंकियों की ताकत को उन्होंने कम करके आंका था। मंदिर की दीवारों के पीछे से न सिर्फ मशीन गन गोलियां उगल रही थी, बल्कि सैनिकों पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड भी दागे जा रहे थे। अकाल तख्त में दाखिल होने की हर कोशिश नाकाम होती रही। पहले 2 घंटे में ही 17 जवान शहीद हो गए। तो अब हमको ये फिक्र था कि अगर ये ऑपरेशन जल्दी खत्म ना हो और खबर पहुंच जाए बाहर कि हमला शुरू हो गया है, और वो लोग अपने बंदूकों के साथ और तलवारों के साथ हजारों में और लाखों में स्वर्ग मंदिर की तरफ आए, तो क्या नतीजा होगा। अकाल तख्त की खिड़कियों को ईंटों से ढक दिया गया था, जिसके बीच में गन पोजीशंस बनाई गई थी। भले ही भारतीय सैनिकों की तादाद आतंकियों से कहीं ज्यादा थी, उनके पास बराबरी के हथियार थे, और सबसे बढ़कर अकाल तख्त की ढाल, जिस पर भारतीय जवान तो वार नहीं कर सकते थे, लेकिन जिसकी आड़ लेकर आतंकी दनादन गोलियां बरसा रहे थे। शाहबेग सिंह ने उन्हें गुरिल्ला युद्ध में ऐसा पारंगत किया था कि जल्द कुछ सोचना जरूरी था। कई जाने गंवाकर सैनिक जब तक अकाल तख्त के नजदीक पहुंचे, सवेरा हो चुका था। जनरल ब्रार के सामने विकल्प अब खत्म हो रहे थे। तब एक अकल्पनीय फैसला लिया गया। सुबह 7:30 बजे 3 विकर्स विजयंता टैंकों ने दनादन गोले बरसाकर अकाल तख्त की दीवार ढहा दी। बहुत सख्त, बहुत मुश्किल डिसीशन था ये, हमने ये इस्तेमाल करना चाहते थे। जब अकाल तख्त में बहुत प्रॉब्लम्स हुए तो फिर एक टैंक हम अंदर ले गए, फिर ग्रेनेड और गैस के गोले बरसाते हुए जवान भीतर दाखिल हो गए। 12:30 घंटे में ऑपरेशन खत्म हो चुका था, लेकिन मंदिर की परिक्रमा का सफेद संगमरमर लहू से लाल हो चुका था। आतंक कुचला गया, लेकिन आस्था भी तार तार हुई थी। खूनी संघर्ष का खात्मा हुआ, लेकिन लहूलुहान सवालों की शुरुआत हुई थी। समर्थकों की नजर में भिंडरावाले की मौत नहीं हुई, एक शहीद का जन्म हुआ था। लेकिन सही मायने में पंजाब में आतंक के खिलाफ लड़ाई अभी और लंबी चलनी थी। गोल्डन टेंपल की लड़ाई तो खत्म थी, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ आतंकियों के युद्ध की शुरुआत हुई थी। देश ही नहीं, दुनिया भर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की गूंज सुनाई दी थी। कहीं इंसाफ की गुहार लगी, कहीं बदले का आह्वान हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिख भावनाओं को इस कदर आहत किया था कि कुछ आर्मी यूनिट्स में भी बगावत हो गई। इंदिरा को मालूम था, उन्होंने सिखों को नाराज किया है। सलाह दी गई कि अपने इर्द गिर्द सुरक्षा कर्मियों में सिख सैनिक न रखें। तब इंदिरा जी को जब मालूम हुआ इस बात का, तो वो बहुत नाराज हुई कि उन्होंने कहा कि मैं तो हर धर्म का, हर मजहब का, हर लोगों का आदर करती हूँ, मेरे कोठी से किस तरह इनको हटा दिया गया। तो उसी वक्त उनके आदेश के मुताबिक फिर से सिखों को, ये सुरक्षा एजेंसी ने उनको हटा दिया था।
31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा को उनके अपने बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोलियों से छलनी कर दिया।